आज मैं अपना दिखाऊंगा फिलिप्स का मैंने मंगाया है ट्यूबलाइट, इसका अनबॉक्सिंग करूंगा और इसके कुछ फीचर्स खासियत ये बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले इसको मैं अनबॉक्स करता हूँ। ये है मेरा फिलिप्स का 23 वाट का एलईडी बल्ब, ये मैंने लिया है 375 रुपये का। और इसके बाद ये है ट्यूब 24 वाट कूल डे लाइट, इसके लाइट बहुत अच्छी होती है, मैंने पहले भी यूज़ किया है इसको और ख़राब हो जाने की वजह से मैंने दूसरा मंगाया है। और ये ट्यूब लाइट है, साथ में मेरे को मिलता है दो क्लिप वॉल पे हैंग करने के लिए, ये तार है और ये। अब इसके खासियत मैं बता देता हूँ, बहुत लोग ऑनलाइन नहीं मंगाते हैं, ऑनलाइन मंगाने से डरते हैं कि लोकल दुकान पे तो 1 ईयर वारंटी चेंज हो जाएगा, ऑनलाइन मंगाने के बाद कैसे चेंज कराएंगे। तो इसके लिए मैं बता दूँ कि स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो प्लीज कस्टमर केयर का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, 48 आवर में कोई भी सामान लाइट अप्लायंसेस है चेंज कर देते हैं और या रिप्लेस करके देंगे या पैसा रिफंड कर देंगे अगर उनके स्टॉक पे नहीं है। तो दोनों चीज़ मैंने पहले कराया है, मेरा बॉल फ्यूज़ हुआ तो बॉल भी कस्टमर केयर वालों ने दूसरा भेज दिया, ट्यूबलाइट फ्यूज हुआ स्टॉक पे नहीं होने से बिल मंगा करके अमेजोन का पैसा को रिफंड कर दिया। ये ट्यूबलाइट 1/4 का है तो 800 का है और ये बॉल 375 रुपये का है। इसको इस पे जो इसका टोल फ्री नंबर है वो 000800505077, ये इसका फिलिप्स का टोल फ्री नंबर है, इस पर आपको कॉल करना है जो मैंने स्क्रीन पे लिख दिया है। और इस नंबर पे आप कॉल करके अपना कंप्लेन लिखवाइएगा, उसके बाद लोकल आपके स्टेट का कस्टमर केयर वाले फिलिप्स के सर्विस सेंटर वाले फ़ोन करेंगे, आपसे बिल मांगेंगे व्हाट्सएप पे, आप बिल भेज दीजिएगा तो या तो वो नया स्टॉक भेज देंगे और पुराना ले भी नहीं जाएंगे, या फिर आपका ट्यूबलाइट का पैसा रिफंड या अगर वापस कर या फिर जो प्रोडक्ट उनके पास नहीं है तो पैसा वापस कर देंगे। दोनों चीज़ मेरा किया और रिस्पांस बहुत अच्छा है। अभी ज़्यादातर लोग घर में 9 वाट का ट्यूबलाइट बल्ब यूज़ करते हैं मगर 9 वाट में उतना रोशनी नहीं आता, तो हमेशा ज़्यादा वाट का यूज़ करें, मैं 23 वाट का यूज़ करता हूँ, उसमें अच्छा रोशनी होता है। ट्यूबलाइट भी लोग 18 वाट का यूज़ करते हैं उसमें भी रोशनी नहीं रहता है, कुछ दिन बाद एलईडी ट्यूबलाइट में रोशनी लगातार कम होती है या कोई भी ट्यूबलाइट में, जब ग्लास वाला ट्यूबलाइट चलता था उसमें भी धीरे धीरे रोशनी कम होती है, नया में ज़्यादा रहेगा। तो अभी क्या है कि अगर आप 18 वाट कर लेंगे तो बाद में रोशनी पूरा कम हो जाएगा, अभी ज़्यादा वाट कर लेंगे तो बाद में भी ठीक रहता है। मैं इसको यूज़ भी कर रहा हूँ, आप यहाँ पर देखिए मेरा ट्यूबलाइट बल्ब 23 वाट का फिलिप्स, दोस्तों प्लीज़ लाइक प्लीज़ शेयर प्लीज़ सब्सक्राइब, क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बहुत मेहनत से मैंने सारे चीज़ों को खरीद के मंगाया है और इसका रिव्यू कर रहा हूँ और पर्सनल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका रिव्यू कर रहा हूँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।